हेलो फ्रेंड्स, आज के इस थालपोस एंड टेबल मैट प्रोजेक्ट में मैं यहाँ पर स्काई ब्लू कलर की 4 mm की बीड यूज़ कर रही हूँ और ग्रीन कलर की 3 ply वुल एंड ऑरेंज कलर की 3 ply वुल। और ये प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए मैंने यहाँ पर 11 नंबर की क्रोशिया हुक का यूज़ किया है। सबसे पहले हम यहाँ 6 चेन से स्टार्ट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और सबसे पहला वाला जो चेन बनाया था वहाँ पे एक स्लिप स्टिच देके इस राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। अब यहाँ पर 3 चेन बनाकर फर्स्ट डबल क्रोशिया रेडी कर लेंगे और उसके बाद 23 डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो टोटल 24 डबल क्रोशियाज इस राउंड में हम कंप्लीट करेंगे। ये राउंड कंप्लीट होने के बाद थर्ड चेन में इस तरीके से एक स्लिप स्टिच देकर ये राउंड कंप्लीट कर लेंगे और जो थ्रेड था उसे थोड़ा सा खींचकर एक मोती लेकर इसमें इस तरीके से पिरो लूंगी। फिर यहाँ पे 4 चेन बनाऊंगी, 1, 2, 3, 4 और धागे को बिना क्रोशिया हुक से निकाले एक और मोती क्रोशिया हुक में लेंगे और नीचे की ओर एक चेन को छोड़कर दूसरे चेन में इस तरीके से धागे को पीछे से लगाकर मोती के बीचों बीच से निकालकर एक स्लिप स्टिच देंगे। फिर से 3 चेन बनाएंगे और ये प्रोसेस रिपीट करेंगे। सिर्फ पहले वाले मोती के पास ही हम 4 चेन बनाएंगे और बाकी जितनी भी मोतियाँ हम इसमें पिरोएंगे उसमें 3 चेन का स्पेस रहेगा। सो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि ये पूरा राउंड कंप्लीट होने के बाद ये राउंड कैसा दिखता है। इस राउंड को कंप्लीट करने के लिए जो मैंने पहले 4 चेन लिया था उसमें जो फर्स्ट चेन है वहाँ पे मैं एक स्लिप स्टिच देकर इस राउंड को कंप्लीट कर लूँगी। अब जो 2 मोती के बीच में जो चेन स्पेस बच रहा है वहाँ पे 3 सिंगल क्रोशिया हम बनाएंगे, 1, 2 और ये 3। अब मोती के ठीक पीछे एक धागा होगा, वहाँ पे भी एक स्पेस होगा, वहाँ पे मैं एक सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। अब फिर 2 मोती के बीच में जो चेन स्पेस है वहाँ पे फिर मैं 3 सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी और मोती और एक सिंगल धागे के बीच में जो स्पेस होगा वहाँ मैं एक सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। और गाइस, इसी तरीके से हम इस राउंड को भी कंप्लीट कर लेंगे। अभी मैंने 2 मोती के बीच में 3 सिंगल क्रोशिया दिया था और अब मोती के ठीक पीछे जो धागा है वहाँ पे भी एक स्पेस बन रहा होगा, वहाँ पे मैं एक सिंगल क्रोशिया दूंगी जैसे कि मैं अभी दे रही हूँ। और अब यहाँ पर मैं 3 सिंगल क्रोशिया दूंगी, 2 और ये 3 और मोती और धागे के बीच में जो स्पेस है वहाँ मैं इस तरीके से एक सिंगल क्रोशिया दूंगी। इसी तरीके को फॉलो करते हुए हम ये वाला राउंड भी कंप्लीट कर लेंगे। सो गाइस, अभी ये मेरा राउंड बनके कंप्लीट है। अब मैं लास्ट स्लिप स्टिच देकर इस राउंड को कंप्लीट कर लूंगी। तो मैंने जो फर्स्ट सिंगल क्रोशिया बनाया था उसमें इस तरीके से स्लिप स्टिच दे दूंगी और इस राउंड को कंप्लीट कर दूंगी। गाइस, अब मैं वुल का कलर को चेंज करूंगी, उसके लिए ग्रीन कलर के लुक में से
ऑरेंज कलर का जो मैंने अभी नॉट बनाया उसको इस तरीके से लेकर ग्रीन कलर का वुल को खींच दूंगी ताकि वो निकले नहीं। अब मैं यहाँ पे तीन चेन बनाऊंगी, 1, 2, 3। और गाइज ये मेरा फर्स्ट डबल क्रोशिया होगा। और इसी तरीके से मैं इस वाले राउंड में डबल क्रोशिया बनाकर इस राउंड को कंप्लीट करूंगी। इस वाले राउंड को कंप्लीट करने के लिए जो नीचे मैंने एक एक सिंगल क्रोशिया बनाया था उसमें एक एक डबल क्रोशिया बनाऊंगी। सिर्फ जो मोती के ऊपर जो सिंगल क्रोशिया है उसमें बस 2 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। जैसे कि गाइस अभी इस वाले सिंगल क्रोशिया में मैं डबल क्रोशिया 2 बार बनाऊंगी और फिर से मैं यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बनाऊंगी, 1, 2 और ये 3। अब इसके बाद वाली जो सिंगल क्रोशिया है जो कि मोती के ठीक ऊपर है उसमें मैं 2 बार डबल क्रोशिया बनाऊंगी। ये मैंने एक बार बनाया और ये दूसरी बार। सो गाइस इस राउंड को हम इसी तरीके से डबल क्रोशियाज बनाकर कंप्लीट करेंगे और इसमें टोटल 16 डबल क्रोशियाज बनाएंगे। सो गाइज ये राउंड भी कंप्लीट हो गया है। अब जो फर्स्ट में मैंने चेन बनाया था उसमें 3 चेन काउंट करके थर्ड वाले चेन में इस तरीके से स्लिप स्टिच देकर इसे कंप्लीट कर लेंगे और इसके पास वाला जो डबल क्रोशिया है उसमें भी एक बार इस तरीके से स्लिप स्टिच देकर जो थ्रेड है हम उसे कट कर लेंगे। अब एक नीडल में ऑरेंज कलर का वुल को मैं लूंगी, डबल करके मैंने वुल को लिया है ताकि पीछे इस तरीके का शेप बन जाए और ये मुझे इजी रहे वर्क करने में। तो अब मैं ऑरेंज कलर का जो राउंड है उसमें इस तरीके से नीडल को डालूंगी। और जो लुक बन रहा था उसमें इस तरीके से नीडल को पास कर दूंगी ताकि एक नॉट जैसा बन जाए और वो दिखने में थोड़ा ऑड भी ना लगे। अब मैं नीडल में 4 मोती लूंगी। और नीचे की तरफ 5 डबल क्रोशिया काउंट करके जो 5th वन वाला डबल क्रोशिया होगा उसमें इस तरीके से नीडल को पास कर दूंगी। अब मैं मोती को थोड़ा ऊपर करके जो 2 धागे के बीच में जो स्पेस है वहां से मैं नीडल को इस तरीके से पास करूंगी ताकि अब जो मोती मैं पिरोऊं वो सीधा रहे। तो फिर से मैं यहाँ पे 4 मोती ले लूंगी। और फिर मैं डबल क्रोशिया काउंट करूंगी, 1, 2, 3, 4, 5। पांचवे वाले में मैं फिर से इसको इस तरीके से पिरो दूंगी। ठीक इसी तरह प्रोसेस को रिपीट करके ये वाला राउंड हम कंप्लीट कर लेंगे। सो गाइस अब ये राउंड मेरा बनके कंप्लीट है और इस राउंड में टोटल मैंने 12 बार 4 4 मोतियों को मैंने इस तरीके से पिरोया है। अब इसके ऊपर वाली राउंड बनाने के लिए जो 2 मोती है मैं इसमें से नीडल को पास करूंगी इस तरीके से।
अब गाइस इसके ऊपर वाले राउंड को बनाने के लिए हम 6 मोती को पिरोएंगे। तो मैंने यहाँ पे 6 मोती ले लिया है और अब जो नेक्स्ट वाली 4 मोती का जो यू शेप मैंने बनाया था उसके ठीक बीचों बीच में नीडल को इस तरीके से ले जाकर ठीक फिर से धागे को थोड़ा ऊपर करके जो बीच में जो 2 थ्रेड होंगे उनके बीचों बीच धागा को इस तरीके से ले जाऊंगी। मैं ये प्रोसेस आपको एक बार और करके दिखा देती हूँ। सो इस टाइम भी मैंने यहाँ पे 6 मोती लिया है और इसको फिर से मैं धागे में पिरो लूंगी और जो नेक्स्ट वाली 4 मोती की जो यू शेप मैंने बनाई थी उसमें नीडल को बीचों बीच ले जाकर धागे को थोड़ा सा ऊपर करके जो 2 धागे थे उनके बीच में से नीडल को इस तरीके से मैं पास कर दूंगी। सो फ्रेंड्स अब इस राउंड को हम इसी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। सो गाइस अब ये राउंड मेरा कंप्लीट हो चुका है तो हम अब धागे को कट कर देंगे। इसके लिए मैं 3 मोती से नीडल को पास करूंगी। सो गाइस अब धागे को बीचों बीच पहुंचने के बाद मैं उसे कट कर दूंगी। सो गाइस अब ये बीडेड फ्लावर बनके रेडी है जो कि हमारे टेबल मैट का बीच का पोर्शन है। इसके ऊपर वाले लेयर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ऑरेंज कलर का यूज़ किया है। उसके लिए मैं फर्स्ट यहाँ पे एक नॉट दूंगी और जो बीडेड फ्लावर पेटल था उसमें बीचों बीच में इसे इस तरीके से फिक्स कर दूंगी। और इसके बाद यहाँ पे 12 चेन्स बनाऊंगी। और बगल वाला जो बीडेड पेटल है उसके ठीक बीचों बीच एक स्लिप स्टिच देकर इस तरीके से फिक्स कर दूंगी। फिर से 12 चेन्स बनाऊंगी। और बगल वाला जो बीडेड पेटल है वहां बीचों बीच में इस तरीके से स्लिप स्टिच देकर फिक्स कर दूंगी। इस प्रोसेस से हम इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। लास्ट चेन को जो मैंने पहले वाला चेन बनाया था उसका जो फर्स्ट चेन है उसमें मैं एक स्लिप स्टिच देकर इस राउंड को कंप्लीट कर लूंगी। और अब इस चेन स्पेस में मैं यहाँ पर 14 सिंगल क्रोशे बनाऊंगी। यहाँ पर इस राउंड में हर एक चेन स्पेस में 14 सिंगल क्रोशे बनेगा और जो बीट्स का मतलब बीट्स के पेटल का जो बीच का पोर्शन जहाँ पे हमने स्लिप स्टिच दिया था वहाँ पे एक सिंगल क्रोशे बनेगा। ये देखिए इस तरीके से हम सिंगल क्रोशे कंप्लीट कर लेंगे और जो बीट्स पेटल का जो मिड पोर्शन है जहाँ पे हमने स्लिप स्टिच दिया था वहाँ पे मैं इस तरीके से एक सिंगल क्रोशे दे दूंगी। और गाइस इस राउंड को मैं इसी तरीके से कंप्लीट कर लूंगी।
सो ये राउंड बन के कम्प्लीट है। यहाँ पर मैंने जो फर्स्ट सिंगल क्रोशे दिया था वहाँ पर मैं एक स्लिप स्टिच देकर इस राउंड को कम्प्लीट कर लूँगी और यहाँ पर मैं वुल का कलर चेंज कर दूँगी। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे इस ऑरेंज कलर के लुक को थोड़ा सा बड़ा कर लिया है और अब मैं ग्रीन कलर का वुल लेकर उसमें एक नॉट बना लूँगी इस तरीके से। और जो मैंने ऑरेंज कलर का लूप बनाया था उसमें से इस ग्रीन कलर के लूप को दूसरी ओर लाकर जो ऑरेंज कलर का मेरा वुल है मैं उसे खींच दूंगी ताकि थ्रेड निकले नहीं। और अब यहाँ पर मैं तीन चेन दूंगी जो कि मेरा पहला डबल क्रोशिया होगा। और गाइस इस राउंड में अब जो डबल क्रोशिया हम बनाएंगे वो नीचे के मैंने जो भी सिंगल क्रोशे बनाया था हर एक सिंगल क्रोशे में एक एक डबल क्रोशिया बनेगा। और गाइस इस राउंड में भी जो ऑरेंज कलर की थ्रेड है उसे हम अभी कट नहीं करेंगे, उसे थोड़ा दूर तक ऐसे ही लेकर चलेंगे उसके बाद से उसे कट करेंगे, नहीं तो उसमें अगर हम पहले कट कर देंगे तो खुलने के चांसेस कुछ ज़्यादा ही हो जाएंगे। इसी तरीके से हम ये राउंड कंप्लीट करके रेडी कर लेंगे। सो अब ये राउंड मेरा बन के रेडी है। तो जो मैंने पहला इसमें चेन बनाया था उसमें थर्ड चेन काउंट करके वहाँ पे एक स्लिप स्टिच देके हम इस राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। और यहाँ पर मैं इस राउंड में फिर से मैं बीट्स को यूज़ करने वाली हूँ तो इसलिए मैंने लूप को थोड़ा सा बड़ा कर लिया है और एक मोती लेकर मैं इस तरीके से उसे पिरो लूँगी क्योंकि ये मेरा फर्स्ट बीड है। तो यहाँ पर मैं चार चेन बनाऊंगी और क्रोशिया हुक में से बिना वुल को निकाले एक और बीट को लेकर नीचे जो मैंने डबल क्रोशिया बनाया था एक डबल क्रोशिया छोड़कर दूसरे डबल क्रोशिया में बीट्स को मैं लगाऊंगी। अब मैं वुल को ऊपर की ओर लाकर एक स्लिप स्टिच दे दूंगी और मैं फिर से यहाँ पे तीन चेन बनाऊंगी। क्रोशिया हुक में से बिना बुल को निकाले मैं फिर से एक बीड लूंगी और नीचे का एक डबल क्रोशिया छोड़कर जो दूसरा डबल क्रोशिया है वहां से मैं फिर से बुल को लेकर इस तरीके से एक और स्लिप स्टिच दे दूंगी और फिर से तीन चेन देकर फिर से एक मोती लगाऊंगी। इसी प्रोसेस को रिपीट करके मैं ये वाला राउंड इसी तरीके से कंप्लीट कर लूंगी। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हो मैंने ये राउंड कंप्लीट कर लिया है। लास्ट जो चेन बचा है मैं उसे भी जो मैंने पहला वाला चार चेन बनाया था उसका जो फर्स्ट चेन था मैं उसमें इस तरीके से स्लिप स्टिच देकर इस राउंड को कंप्लीट कर लूंगी। सो गाइस आशा करती हूँ कि ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और गाइज आगे की वीडियो के लिए मेरे साथ यूं ही बने रहें। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग।